चाचा का, हमारे दादाजी गरीब से गरीब आदिवासी घर में अगर लड़की की शादी होगी तो टार्च लेकर रात को खड़े रहते थे, देखो उस पत्तल पर रोटी नहीं है, उस पर चावल नहीं है, उस पर दाल नहीं है। और उस गरीब को बुलाया जाता था दिन में कि हमारे गांव में बारात आ रही है, कोई भी अगर थोड़ा भूखा चला गया तो मेरा नाम खराब होगा, जितना राशन पानी सब ले जाओ, बाद में देखेंगे क्या है। इतना समरसता थी, लेकिन अभी पॉलिटिकल सिस्टम जो 30-40-50 साल से आया है, इसमें लोगों ने अपने अपने जात को अपने तरफ खींचा, सिस्टम गांव में खराब हुए, ठीक है, तो थोड़ा सा वो माहौल तब नहीं रह गया। तो आज भी राजपूतों की जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाएं, हमारे त्याग में कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे पढ़ने लगे, हमारे जब आरक्षण आया है बीपी सिंह लेके आए, तब हमारे आईएएस 2% थे, आज वो 8% हो गए। मतलब बच्चों की पढ़ाई पे लोगों ने ध्यान दिया, नहीं तो बोलते थे क्या करेंगे पढ़ लिख के, ज़्यादा राजपूत है उनका, तो लड़कियां क्या करेंगी पढ़ के, हमारी लड़कियां आईएएस हो रही हैं, आजकल आईपीएस हो रही हैं। अभी मैं अमेरिका इन्वाइट किया गया था, वहाँ एक संस्था है राना, राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उनके पास 50-60 करोड़ रुपये पड़े हैं फंड में, यहाँ स्कॉलरशिप देने को तैयार थे बच्चों को, और सिर्फ राजपूतों को नहीं, कोई भी लड़का उनको अप्रोच करे उसको मदद करेंगे, मार्गदर्शन करने को तैयार है वहाँ से आके। तो भाई आप, एक लड़का अभी मैंने अपने भाषण में कहा, एक लड़का एक रास्ते पे खड़ा है चौराहे पे, उसको किस रास्ते पे जाना है खाली इतना गाइड कर देना, वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो भटकता रहता है। लड़के से कैसे मतलब हमारी क्रॉप डबल हो सकती है, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, आज ऑर्गेनिक का बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जो जो चीज़ आप खा रहे हैं आपको मालूम नहीं कि इसमें कितना कितना केमिकल भरा हुआ है। आजकल इतने लोग पैसे के लालची हो गए हैं, एक लौकी जो 250 ग्राम की रहती है शाम को, एक इंजेक्शन लगा दिया सुबह 1 किलो हो जाती है, तो इंजेक्शन केमिकल तो खा रहे हैं आप, तो आपको कैंसर होगा, आपको किडनी खराब होगी, आपका हेल्थ खराब होगा, तो ऑर्गेनिक खेती कैसे हो। अब मैं जो 10-15 साल भगवान हमको और देंगे, मैं 69 का हो गया हूँ, तो मैं चाहूँगा कम से कम एक जिला। जब मैं छोटा था तभी से ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बारे में मुझे जानकारी थी, ये बहुत अच्छी संस्था है, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो मन धन तन से अपना सब कुछ देते हैं ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को। तो अभिषेक जी, आज का जो कार्यक्रम था इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे आपका वे क्या था, किस तरह से आप लोगों को एक मंच पर लाकर किस तरह के कार्य करना चाहते हैं सिंह के लिए, राजपूतों के लिए? एक बेसिक मुद्दा था जो मैं फेस कर रहा था काफ़ी टाइम से, जैसे जब मैंने स्टार्टअप किया, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको बोलते, मेरे पास कॉन्टैक्ट की बहुत कमी थी, मुझे कुछ करना रहता तो मुझे ऑनलाइन सर्च करना पड़ता था, 50 वेंडर से बात करना पड़ता था, उसके बाद में कोई एक सिलेक्ट करता था, एक या दो लोग। धीरे धीरे मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ने चालू हो गए, तो मैंने ये चीज़ फील किया कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो जो दिन जो टाइम आप एक महीने में आप कर सकते हो वो आप 3 दिन में भी कर सकते हो, काफ़ी टाइम सेविंग हो जाता है। तो आगे किस तरह से, आप एक यूथ है, यूथ के क्षेत्र में आप किस तरह सोच रहे हैं और इस बैनर्स के इस मंच के माध्यम से आप किस तरह से आप यूथ के लिए कार्य करेंगे? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मुझे महाराष्ट्र लेवल प्रेसिडेंट बनाया गया है सिर्फ यही चीज़ के लिए कि मैंने जैसे प्रॉब्लम फेसेस किए हैं, मैंने जैसे प्रॉब्लम फेस किया है वो चीज़ निकाल सके हम लोग, कि वो चीज़ प्रॉब्लम फिर से किसी यूथ लड़के को, स्टार्टअप वाले लड़के लोगों को प्रॉब्लम ना आए, मैं वही चीज़ पे वर्क करना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, और इसी डे को आपने क्यों चुना इस कार्यक्रम के लिए? ये मैं कार्यक्रम आज 1.5 महीने से प्लान कर रहा था कि मुझे ये कार्यक्रम करना है, बट बहुत सारे लोग आज के दिन फ्री थे तो मुझे लगा ये सही समय है कार्यक्रम का। दोनों जन मिलके ये प्लान किए थे कि राजपूत समाज को क्यों ना हम सारे बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जिससे एक दूसरे को सहयोग हो व्यवसाय में, और ये ऐसा गेट टुगेदर, बिजनेसमैन गेट टुगेदर करें ताकि जो है ज़मीन स्तर पे समाज को उसका फ़ायदा हो। और आज इतना सफल कार्यक्रम रहा, सारी कुर्सियाँ खचाखच भरी थी,
सारे गणमान्य जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने उद्योगपति थे अपने अपने क्षेत्र के, सारे यहाँ पहुँचे। 26 जनवरी इतना व्यस्ततम दिन होता है, उसके बाद भी कोई कुर्सी खाली नहीं रही और सब लोग पहुँचे, एक दूसरे से जान पहचान हुई और व्यवसाय में अब एक दूसरे का जान पहचान होने के बाद क्षत्रिय समाज को उसका फ़ायदा होगा। अभिषेक ठाकुर से मुझे बहुत उम्मीद है कि ये लड़का क्षत्रिय समाज के लिए बिजनेस में बहुत आगे तक इसको योगदान लेके जाएगा, इसीलिए मैंने उसको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कोंकण विभाग का बिजनेस अध्यक्ष बनाया है और यही उम्मीद है कि इसको, इस काफिले को और आगे ले जाएंगे। उनको बहुत बहुत सब शुभकामनाएँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर जो आज आयोजित किया गया था, यहाँ पर काफ़ी बिजनेसमैन पहुँचे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक जी को किस तरह से देख रहे हैं, क्यों किस तरह कार्य कर पाएंगे? अभिषेक भाई हमारे, हम युवाओं के आइडियल हैं। हालांकि मैं अपना परिचय बता देता हूँ, मेरा नाम सुनील सिंह ठाकुर, मैं मेरा महेंद्र का युवा जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का, बलराम भैया के समर्थन में, किसका सहयोग से बहुत काफ़ी समय से काम करने का मौका मिला है और भैया जिस तरह से भैया लोगों को साथ में जोड़कर काम कर रहे हैं, भैया मतलब जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, उनका एक्चुअली भैया का हमारे जो टारगेट, जो उनका जो नेशन है, उनका जो मतलब सोचना है कि अगर एक युवा आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूँगा। भैया मतलब हर कोई भी अगर कुछ भी, अगर उनका सोचना है कि एक आदमी अगर आगे जा रहा है तो उसके उसके जगह पे भैया का सोचना है कि मैं भी आगे जा रहा हूँ, पूरा समाज आगे जाएगा। हाँ।